यूपी में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने आज अपना 15वां फाउंडेशन डे जोरों शोर से मनाया। इस मौके पर पार्टी के हजारों कारकुनान लखनऊ में इकट्ठा हुए। काउंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर रशीदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आने वाले 2024 इलेक्शन में अपनी हिम्मत अमली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो हमें हिस्सा देगा, चाहे वो एनडीए हो या चाहे इंडिया हो, हम उसका साथ देंगे। और अगर कोई भी पार्टी हम लोगों से बात नहीं करती है तो हम लोग तीसरा मोर्चा बनाकर छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मुसलमान ना तो एनडीए के साथ जा रहा है ना इंडिया के साथ। मुसलमान अब हिस्सेदारी की बात करता है, ताबादारी को तैयार नहीं है, वो गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है, हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। बातें की है लेकिन कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत साफ तौर पर एनडीए हो या इंडिया हो, जो हमारी संख्या उसके अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी देगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो आने वाली विधानसभाओं के 4-5 जगह पर हो, मुसलमान उन्हीं लोगों के साथ जाएगा। हम सिर्फ हिस्सेदारी की बात करते हैं और न कोई मुसलमानों का दोस्त है न कोई दुश्मन है, सिर्फ हिस्सेदारी की बात होगी। जो हिस्सेदारी देगा मुसलमान उसके साथ जाएगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की आज 15वां स्थापना दिवस लखनऊ के चारबाग में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर राज्य से, यूपी के हर जिले से जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। उलमा काउंसिल से जो जुड़े हुए हैं, उनकी जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज यहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक मीटिंग कर रही है। कहते हैं इस मीटिंग में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार जो बातें चल रही हैं कि जो इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात है, उसमें जो मुसलमानों पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको लेकर जिस तरह की बातें हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा है, वो भी हम मुसलमानों को ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ वोट बैंक के तरीके पर दिखा जाता है, उसको लेकर तमाम बातें हैं। और जो 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए भी कह सकते हैं कि उलमा काउंसिल की ये मीटिंग अहम मानी जाएगी। मुसलमान किस तरफ जाएगा ये बड़ी बात है। हमारे से प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह की आज स्थापना दिवस में बातें रखी जाएंगी? देखिए, मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रवक्ता हूँ, एडवोकेट तलहा रशादी। आज 4 अक्टूबर है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का स्थापना दिवस है, तो हम लोग यहाँ लखनऊ में एक महासम्मेलन कर रहे हैं और इसमें जो देश प्रदेश के मौजूदा हालात हैं उस पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पिछले 15 सालों में क्या उपलब्धि रही, जो शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और वो तबका जिसकी कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं थी, जिसकी कोई मुद्दे सुनने वाला नहीं था, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने उस तबके को एक आवाज़ दी है, तो उस पर भी विचार विमर्श होगा। आगे 2024 का चुनाव है, इस पर भी होगा। और जो इस वक्त एक दो गठबंधन बना हुआ है देश में, एक एनडीए का गठबंधन है, दूसरा एक इंडिया का गठबंधन है, तो ये सवाल भी सामने है। सबके मुसलमान इस देश का देखना चाह रहा है कि जहाँ एक तो भाजपा के एनडीए गठबंधन में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, पर साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि क्या जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह है कि नहीं। ये कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं कि जिसमें मुसलमान ही नहीं। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, तो क्या लगता है कि उन्होंने भी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर यूज़ किया है? क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने तब तक काफ़ी वोट दिया था। अब क्या लगता है कि आपको 24 चुनाव अगर कहाँ मुसलमान जाएगा इस बार? ये हकीकत है। देखिए, मुसलमानों का पिछले 75 सालों में लगातार सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और आज मुसलमान की हालत ये हो गई है कि सच्चर कमेटी 2006 में उसने क्या कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। उसके बावजूद आज मुसलमानों को कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर अछूत बनाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों को सामाजिक तौर पर अछूत बना दिया है। पूरे देश की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज हो गया, जो आजम खान का जो मामला रहा है और ऐसे मामले जहाँ उन्होंने बोला चाहता उन्होंने बोला नहीं? देखिए, ख्वाब देखने पे किसी को पाबंदी नहीं है, ख्वाब कोई भी देख सकता है और तमाम लोग ख्वाब देखते आ रहे हैं, देखना चाहिए, अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो भी तथाकथित सेकुलर दल हो, आप ये बात जान लीजिए कि मुसलमान जागरूक हो चुका है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास सत्ता थी, इनके पास पावर था, मुसलमान 75 साल में इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ी कुर्बानियां दी पर सत्ता का हिस्सा नहीं बन पाए। वो जानता है कि अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, ताबेदारी के लिए नहीं तैयार है, वो हिस्सेदारी चाहता है, वो भागीदारी चाहता है। हिस्सेदारी की बात करें तो आपके बड़े नेता हैं एमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी, लगातार आप लोग की बातें पार्लियामेंट में उठाते हैं, हर मुद्दे उठाते हैं, तो क्या लगता है कहना कि जो यूपी का चुनाव होता है तब कहना कि उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं, अब 24 चुनाव होते हैं, क्या मुसलमान कहना कि एमआईएम को जा सकता है? देखिए, मुसलमान जहाँ भी अपनी ताकतें मजबूत है उसकी राजनीतिक, वो मुसलमान हिंदुस्तान का ये समझ गया है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में जब तक आपकी अपनी राजनीतिक ताकत नहीं होगी आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तो जहाँ पे एमआईएम मजबूत है वो एमआईएम को मजबूत करेगा, जहाँ पे उलमा काउंसिल मजबूत है वहाँ पे उलमा काउंसिल को मजबूत करेगा, जहाँ पे बदुद्दीन अजमल साहब की एडीएफ मजबूत है उसे मजबूत करेगा, जहाँ मुस्लिम लीग मजबूत है उसे मजबूत करेगा। अगर दूसरे दलों को चाहिए कि वो मुसलमानों का वोट चाहते हैं तो आपको साथ में लेकर चलना होगा।
आप सब छोटे छोटे जो दल हैं, क्या लगता है 24 से पहले एक साथ आप आकर और कहीं ना कहीं एक पार्टी में जाकर आप लोग हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, तमाम विकल्प खुले हुए हैं। और अभी तो देखिए कि अभी गठबंधन का जो कुंबा है, वो चाहे एनडीए हो चाहे एनडीए हो, अभी किस तरफ उठ करवट लेता है ये देखना होगा। इंडिया में भी अभी टूट फूट हो सकती है। कहां जाएगी, एनडीए में जाएगी कि इंडिया में जाएगी, क्योंकि बात वो भी अब मुसलमानों की कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये वक्त तय करेगा। हमने हमारी लड़ाई जो है पहले दिन से इस बात की, जो हमें हिस्सेदारी देगा, जो हमें भागीदारी देगा, जो हमें बराबरी की बात करेगा, हम उसके साथ जाने को तैयार। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, अब चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो मुसलमान हमेशा आगे रहेगा। वोट बैंक के साथ साथ हिस्सेदारी भी मुसलमानों को चाहिए। कैप्टन दिवाकर के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।